इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक शेयर को लेकर। कल का टारगेट क्या हो सकता है और कितना परसेंट गिरावट करेगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आज थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, अभी लाइव मार्केट का वीडियो है। इसने जो ऑल टाइम हाई किया था 157 का, उसके बाद ही ओला इलेक्ट्रिक शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी 30% गिरावट कर दिया। ओला इलेक्ट्रिक शेयर के रिलेटर इन्वेस्टर का दिल तोड़ दिया है। अगर दोस्तों आपका लॉस हो रहा है तो होल्ड करने के सिवा इसमें कुछ नहीं है। हम सभी को पता है कि ओला काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी का है, इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल अगर बाजार खुलते ही इसका जो 85 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अगर पार करता है तो शेयर में तेजी आ सकता है, जैसे 150 एंड 200 का टारगेट दिखा सकता है। अगर आप दोस्तों प्रॉफिट करना चाहते हैं तो भाई 1 साल 2 साल 3 साल या फिर 4-5 सालों के लिए छोड़ दो, लेकिन टाइम के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अभी शेयर नहीं गिरेगा, अभी 1% या 2% गिरावट करेगा, फिर से तेजी आएगी, डरो मत और लंबे समय तक होल्ड रखो। आप 400 का टारगेट रख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल रखना, और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। और एक बात दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वीडियो फटाफट से बनाकर दे दूँ।